तो अज़्ज़ाने मोहतरम ये करबला है ही इसलिए कि हमें हर साल बुलाया जाए और बताया जाए पिछले साल तुम्हारे और करबला में इतना फासला था, अब इतना हो गया है। जिस दिन तुम करबला में जम हो जाओगे उस दिन ज़हूर हो जाएगा, उस दिन ज़हूर होगा। जिसे तुम्हें इमाम समझ आ गया उस दिन ज़हूर हो जाएगा। उसके लिए हर हर लेवल पे मेहनत की ज़रूरत है। एजुकेशन हो, आईटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबसे ज़्यादा तो सिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है अपने मुल्क में। शहर कैसे बनते हैं, अर्बन सिटीज़ कैसे हो, ड्रेनेज सिस्टम कैसा हो। आज से वो मोइंजो दौड़ो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर था, पानी नक्काशी का निज़ाम उसके अंदर आज से ज़्यादा अच्छा होगा, जाके देख ले। ये तो हम यानी वो कितने साल है, 5000 साल, पता नहीं क्या कहते हैं, कितने हज़ार साल पुराना है वो, ठीक है। यानी हम उससे भी बदतर हो गए। ये है तरक्की याफ्ता, ये समझे जाने मोहतरम, जो हम कहते हैं ना बहुत मॉडर्न दौर है, हम बहुत मॉडर्न है मौलाना से, हमारी दकियन उसी बातें नहीं होती है, समझ आई ना। ये है मॉडर्न। तो 5000 साल मुंजो दौड़ो तो उनसे ज़्यादा मॉडर्न था कम अज़ कम, बहुत मॉडर्न है हम लोग। हमारे यहाँ सर हिजाब तो पुराने लोग करते हैं, मॉडर्न लोग हैं हम लोग। हमारे यहाँ तो लड़कियाँ आजकल इंस्टाग्राम पे मनकावतें पढ़ती हैं, मॉडर्न जितने मॉडर्न होते जा रहे कपड़े कम होते जा रहे, तो फिर जानवर ज़्यादा मॉडर्न है इस मामले, कपड़े नहीं पहनते होते। यानी ये मॉडर्नाइजेशन कौन दे रहा है आपको भाई, ये मेजान आपको किसने दिया मॉडर्नाइजेशन का, कहां से आता है ये कपड़े डिजाइन कहां हो रहे, ये इंस्टाग्राम किसने बनाया, फेसबुक का मालिक कौन है। जाने मोहतरम आप लगाएं काशिम सुलेमानी की तस्वीर फेसबुक पे, अकाउंट बंद हो जाएगा। क्यों भाई, क्या टेंशन है तस्वीर से, क्यों? बहुत है हमारी, हम मालिक हैं इसके। देख लिया आपने मालिकियत, हाकमियत देख ली, समझ में आ गया निजाम कौन है। अगर अभी भी हम सोते रहे और अपने लिए कोई चीज़ें डिजाइन ना करें, मगर हमारे पास कमी है टैलेंट की, जिसके पास भी टैलेंट होता है वो बेचारे को सिस्टम मुल्क ऐसा है, वो बेचारा रोटी रोजी के लिए बाहर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि मुल्क ने प्रोवाइड ही नहीं किया प्लेटफॉर्म। लेकिन जवान कैसा होता है, जानी बस आपकी सहमत है तमाम, जवान कैसा होता है जिसके दिल में खुदा से मोहब्बत हो, जिसने अपनी जिंदगी सैयद शहदा के मसाइब सुने हैं, वो 16 साल मुल्क से बाहर रहता है और दुनिया का बेस्ट प्लाज्मा फिजिक्स का स्टूडेंट बनता है। 16 साल बाद जब इनकलाब आता है तो अमेरिका से वापस आता है, शहीद चमराव अपनी माँ को आके कहता है कि जैसा पाक गया था वैसे ही पाक वापस आया। करे मेहदी से मिला दे।